आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां सहारनपुर एसपी सीटी अभिमन्यु मांगले के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद ट्रॉली चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शाति चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर व चोरी की गई दो ट्रॉली बरामद किया गया बड़ा खुलासा किया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर किया घटना का सफल अनावरण। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, ये जो बीते जनवरी की बात है, अभी जो जनवरी निकला है उसमें ये गैंग काफ़ी एक्टिव रहा था। इसने रामपुर मनिहारन में, गांव हड्डेकी में और नागल में जनवरी माह में ही दो ट्रॉलियाँ चोरी की थी। इसमें जब हमने पता किया था सर्वेलेंस के माध्यम से, तो हमारे पास कुछ नंबर निकल के आए थे और हम इनको तलाश रहे थे। इसमें जो मुख्य हमारा अभियुक्त है वो फिरोज़ है। ये फिरोज़ गांव सावंतखेड़ी थाना बड़गांव का रहने वाला है, और इसका जो भाई है इमरोज़, ये भी इसके साथ था ट्रॉली चोरी में, और इन्हीं के गाँव का रहने वाला है प्रवीण। प्रवीण का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इन तीनों ने मिलकर जो फिरोज़ का ट्रैक्टर है उसी के सहारे इन्होंने दोनों ट्रॉली चोरी करी। कल जब हमें मुखबिर की सूचना पे हमें ये अंदेशा था कि ये एक जगह से पास होने वाले हैं, तो इनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया। इसी मुख्य अभियुक्त इसमें फिरोज़ पकड़ा गया है। फिरोज़ की ही निशानदेही पे दोनों जो चोरी हुई ट्रॉली हैं वो बरामद की गई हैं, और जो उसका ट्रैक्टर है जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद कर लिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों ही अभियुक्त जो हैं हमारे एक ही गाँव के हैं, सावंतखेड़ी गाँव है थाना बड़गाँव में। और रेकी का इनका तरीका यही रहता था कि ये गांव-गांव में जाते थे, ये पता करते थे कि वहाँ पर कोई ऐसा ट्रॉली का मालिक हो जो अपने घर से दूर और जहाँ पर रिहाइश इलाका है उससे दूर किसी अकेले प्लॉट पे या जंगल में जो अपनी ट्रॉली खड़ी करता है, ये उसको टारगेट किया करते थे। जी हाँ, फिरोज़ का 5 से 6 मुकदमे हैं फिरोज़ पर। उसने सबसे पहला मुकदमा जो था इस पर उसने गाड़ी चोरी करी थी, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लेके घूम रहा था। उसके बाद इस पर गौकशी के मुकदमे, और गौकशी के मुकदमे के फलस्वरूप इस पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें ये जेल जा चुका है। इसमें जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि फिरोज़ जो मजदूरी कर रहा था ईंट भट्टों पर, तो वो ये ट्रॉली इस्तेमाल करता था उसी मजदूरी पे, और उसके बाद वहाँ पे जब कोई व्यापारी उसको मिलता था जो उसकी ट्रॉली को लेने में इच्छुक हो तो इसको बेच दिया करता था। ये अब जो पूछताछ पता चला तो इन्होंने नागल और हमारे रामपुर मनिहारन की उनकी तो कबूली, उसके बाद इसने बताया था कि 2 से 2.5 साल पहले इसने उत्तराखंड में ऐसे काम किया है जिसकी ट्रॉली मुख्य रूप से यमुनानगर बेचा करता था। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।